अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का लेक्चर है अबाउट सिंक्रोनस काउंटर। प्रीवियसली हमने ए सिंक्रोनस काउंटर कवर किया था और उसमें कैस्केडिंग का टॉपिक कवर किया था। आज हमने दूसरा टाइप ऑफ काउंटर चेक करना है, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास लेक्चर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और हमारे पास नया टॉपिक नहीं बचा है। तो लेक्चर नंबर 40 है अबाउट सिंक्रोनस काउंटर्स। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, मैं कि दो टाइप के काउंटर हैं, एसिंक्रोनस जिसे हम रिपल काउंटर कहते हैं, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर को हम क्या कह रहे होते हैं, पैरेलल काउंटर कह रहे होते हैं। और इसमें और एसिंक्रोनस में डिफरेंस यही था कि इसको पैरेलल इसलिए कहा जाता था कि इसमें हर फ्लिप फ्लॉप पे सेम टाइम पे सेम क्लॉक आ रही होती थी। ठीक है, सारी क्लॉक्स फ्लिप फ्लॉप पे सेम होती थी, तो सबकी सब फ्लिप फ्लॉप एक ही साथ ट्रिगर होती थी। अच्छा, तो सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर की जो मैं बात बता रहा था, ये कि इसमें क्लॉक कॉमन होती है हर फ्लिप फ्लॉप की। ऐसा नहीं जैसे सिंक्रोनस में होता था कि क्लॉक सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है, फिर उसका आउटपुट दूसरे की क्लॉक बनता है, फिर फर्दर सो ऑन आगे क्लॉक ट्रिपल होती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्लॉक पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है इसमें सारी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सेम या एक साथ ही दी जाएगी, कॉमन होगी। जैसी क्लॉक आएगी, सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप स्टेट को चेंज करेंगी या अपडेट करेंगी। हो सकता है अपडेट में अब नो चेंज भी आ जाए, जरूरी नहीं कि चेंज हो ना हो, डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट क्या है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्यों कहा कि ये टॉपिक हम पार्शियली कवर कर चुके हैं। पार्शियली कवर हम इस तरीके से कर चुके हैं कि हम ये काम जो सिंक्रोनस काउंटर के डिजाइनिंग का है, कर सकते हैं वाया प्रोसेस कॉल्ड सिंथेसिस, जो प्रोसेस हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना भी एक काउंटर आर ऑल्सो स्टेट मशीन्स। हमने बात की थी ना, दो टाइप की स्टेट्स मशीन थी जब हमने पढ़ा था सिंथेसिस का टॉपिक। मीले टाइप की भी होती है, मोर टाइप की भी होती है। तो काउंटर्स भी तो स्टेट मशीन है, इसकी में भी स्टेट चेंज होती है। कभी जीरो आ जाता है, कभी वन आ जाता है, कभी टू आ जाता है, कभी थ्री आ जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेट मशीन है, बल्कि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट मशीन है जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और वो काउंटिंग है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनपुट आउटपुट आपके पास यही सीक्वेंस आती रहेगी। ठीक है, वसी अभी अटेंडेंस नहीं हुई है, और यासिर इसको सवाल को मुझसे एंड में पूछना। ठीक है, तो बात क्या है कि सिंथेसिस का प्रोसेस हम अच्छे से फेमिलियर हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स आप बनाते हैं एक स्टेट डायग्राम, फिर स्टेट डायग्राम से आप स्टेट टेबल फिल करते हैं, और स्टेट टेबल के बाद आपके मैप से किसी भी तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब आपके पास इक्वेशन आ जाती हैं तो आप फाइनली पूरी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के काबिल हो जाते। ठीक है, तो वही स्टेप्स हमने फॉलो करने। अब करने क्या वाले हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कि 2-bit सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर करना है। ठीक है, और स्टेट डायग्राम से पता लग ही रहा है कि ये एक इंक्रीमेंटल बाइनरी काउंटर मैंने बनाना है। 2-bit कह रहे हैं, तो 2-bit का मतलब है सिंपली 0, 1, 2, 3, यही पॉसिबल इसमें वैल्यूज आएंगी। यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप कह लें या जे के विथ आइडेंटिकल इनपुट कह लें। जे के पे अगर मैं आइडेंटिकल 1-1 प्रोवाइड कर दूँ और आइडेंटिकल कर दूं, 1-1 आएगा तो टॉगल, 0 आएगा तो आपके पास नो चेंज। तो टी फ्लिप फ्लॉप और जे में यही फर्क है कि सेम इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं तो एज ए टी फ्लिप फ्लॉप बिहेव करने लगती है। तो मेरे पास ये लेफ्ट पे गिवन है स्टेट डायग्राम। ठीक है, पहला स्टेप, हमेशा पहला स्टेप सिंथेसिस में भी, और ये मैं जो सिंथेसिस कह रहा हूँ उसको ध्यान से भी इसलिए सुन लो क्योंकि यही मैंने आपको CEP में भी दिया था, तो सिंथेसिस ही करना था। उसमें भी पहला स्टेप यही था कि आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करें। मैंने अगर 2-bit का काउंटर बनाना है और काउंटर कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और 2-bit मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 3 तक। तो मैंने सबसे पहले स्टेट डायग्राम बनाई, मैंने देखा कि पहली स्टेट आएगी मेरे पास 2-bit है, 4 पॉसिबल स्टेट हो सकती है। पहली स्टेट आ गई मेरे पास 0-0, दूसरी स्टेट मैंने ली 0-1, तीसरी स्टेट मैंने 1-0, चौथी स्टेट ले ली मैंने 1-1। तो इसमें मैक्सिमम काउंटिंग 3 तक ही जा सकती है, 2-bit में से बड़ा नंबर नहीं आएगा। और ये बात मुझे क्लियर है कि इंक्रीमेंटल काउंटर है, तो इस एरो मैंने पहले से बना दी कि 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पर आएगा, 2 से 3 पर चला जाएगा, एंड फाइनली 3 के बाद दोबारा कौन सी स्टेट आ जाएगी, इनिशियल स्टेट पे मैं दोबारा से आएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने सिंथेसिस का प्रोसेस किया था उसमें स्टेट चेंज होने के साथ साथ दो और चीज़ें भी मौजूद थी कि उसमें इनपुट भी मौजूद होते थे और आउटपुट भी होता था, एक्स और वाई भी थे कि एक्स की वैल्यू भी आएगी तो आगे जाना है, 0 आएगी तो यहाँ रहना है, 1 आएगी तो आगे जाना है, इस तरह की कुछ चीज़ें भी थी।
बिल्कुल थी, लेकिन काउंटर में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। काउंटर में कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं होता, कोई एक्सटर्नल आउटपुट ही नहीं होता, स्टेट ही मेरा इनपुट है और स्टेट ही मेरा एक तरीके से आउटपुट है, यानी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से डील कर रहा होता हूँ, इसमें इनपुट और आउटपुट एलिमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, शामिल ही नहीं होता, क्योंकि काउंटर है उसका काम काउंटिंग करना है, डजेंट मैटर इनपुट पर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनपुट होते ही नहीं इसमें, और इसमें भी मुझे कोई आउटपुट चाहिए नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इसे में आप आउटपुट डाल सकते हैं। इसे आप कहें एक मेरा आउटपुट है और मेरा आउटपुट सिर्फ तभी हाई होगा जब मेरी काउंटिंग सीक्वेंस पूरी हो जाएगी, यानी जब भी थ्री आएगा तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाए, हाई हो जाए, मतलब अपने आपको इशारा देने के लिए कि मुझे कैसे पता लगे कि मेरी बीप आने का मतलब है कि काउंटिंग पूरी हो गई। से ये काउंटर का इंस्टॉल हुआ है जहाँ पर आप किसी चीज़ की काउंटिंग कर रहे हो, जैसी काउंटिंग पूरी हो आपको अलार्म देने, ठीक है, अलार्म भी ऐसे ही करता है, या स्टॉप वॉच लगी हुई टाइम पूरा हो गया तो उसने बीप दे दी, तो आप कह सकते हैं कि मैं आप इसे कह दूँ थ्री जब भी आए तो मेरा आउटपुट वन हो जाए, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट भी दिया जा सकता है। और इनपुट अगर इन्वॉल्व हो गए तो फिर वो काउंटर विथ एक्सटर्नल कहना चाहिए कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल हो जाएगा, कि आप अगर एक्स देंगे तो आप कोशिश करेंगे एक्स की वैल्यू वन हो तो कुछ हो, जीरो हो तो कुछ हो, तो प्रोसेस पूरा वही है, लेकिन काउंटर मोर सिंप्लीफाइड इसलिए हो जाते हैं कि इसमें इनपुट और आउटपुट वाली कॉलम नहीं आती, इसमें सिर्फ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट आते हैं, ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ तक कि इसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। अच्छा अब देख लेते हैं कि मुझे स्टेट टेबल में क्या करना है। ठीक है, मैंने अपनी स्टेट डायग्राम बना लिया, मेरे पास आता है स्टेट टेबल, तो स्टेट टेबल में अगर देखा जाए तो मैंने ये लिखी है अपनी भाई प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, ये सारी की सारी मेरी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इसको देखते हुए स्टेट डायग्राम को देखते हुए मुझे क्या करना है, इससे अपनी नेक्स्ट स्टेट बनानी है, तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट कैसे बनेगी, मैंने देखा भाई सबसे पहले तो 00 की बात कर रहे हैं, 00 पर अगर मैं हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है काम और कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं मौजूद हूँ 00 पे, तो यहाँ से मैंने चेक किया कि अगर मैं 0 पे हूँ तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 का आगे जाके कहाँ चले जाना है, 01 पे, तो मैंने यहाँ पे स्टेट में लिख दिया 0 और 1। अच्छा ये पूरी की पूरी मिल के एक स्टेट बना रही है, ध्यान रहे 2 बिट का है तो 2 बिट मिल के एक स्टेट बना रही है, और 0 ये बता रहा है कि ये LSB है और 1 ये बता रहा है कि MSB, ये भी यही बता रहा है, 0+ लगा दें या +T कर दें, ये मैंने बात बताई थी, ये बता रहा है LSB और MSB, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टेट है। फिर जब मैं सेकंड कॉम्बिनेशन पे देख आया तो सेकंड कॉम्बिनेशन मेरा कह रहा है कि भाई 1 01 है, 01 पे था, 01 यहाँ पे था, मैंने चेक किया 01 से अगली मुझे कहाँ जाना है, यानी 01 से अगली ये नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, 10, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, यहाँ पे लिख लिया 0, ठीक है। फिर अगले कॉम्बिनेशन पे मैं टेस्ट करने आया हूँ तो अगला कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था मेरे पास 10, मैं टेबल में गया, डायग्राम में गया, स्टेट डायग्राम में देखा 10 ये लिखा हुआ है, मैंने कहा 10 अगर मेरी प्रेजेंट है तो नेक्स्ट मेरी पॉसिबल क्या बनती है, 11 बनती है, तो मैंने यहाँ पे 1। फिर क्या था कि मैं 1 यहाँ आया, चौथी स्टेट पे मैं चेक करने लगा तो ये आई हुई है मेरे पास 11। हमने कहा अगर मैं 11 पे खड़ा हूँ तो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट मेरी क्या हो सकती है, नेक्स्ट क्या है, 11 के बाद मुझे दोबारा से जाना किस पे, 0 पे, पूरी साइकिल हो जाएगी, तो 11 से मैं आ गया, तो ये तो मैंने फिल कर लिया अपने टेबल के सॉर्ट ऑफ देख देख के स्टेट डायग्राम से कन्वर्ट कर लिया, और ये मेरे नॉर्मली सिंथेसिस में क्या होते हैं, इनपुट्स की साइड ही ले रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट तो मेरे पास गिवन होती है, मुझे यानी यहाँ तक की चीज़ मेरे लिए मसला नहीं होती, ये तो मैं स्टेट टेबल से देख के डिकोड कर लेता हूँ कि प्रेजेंट ये है तो नेक्स्ट आनी चाहिए, प्रेजेंट ये तो नेक्स्ट आनी चाहिए, प्रेजेंट ये है तो नेक्स्ट ही आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद असल काम जो होता है वो मेरा शुरू होता है, वो उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे पास ये टेबल हो चुका है, अब ये अगर मेरे पास, मैंने जैसे कहता है लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ चुकी है स्टेट डायग्राम को देख के मैंने डिकोड कर ली, असल काम ये होता है कि मुझे इसमें फाइंड करनी होती है, अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप से काम कर रहा हूँ तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही है यहाँ पे A0 A1, तो मुझे टी इनपुट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप एंड टी इनपुट ऑफ A1 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होता, ठीक है, दोनों के मुझे इनपुट चाहिए, अगर जे के होती तो फिर 4 हो जाते, जे ऑफ A0 के ऑफ A0 जे ऑफ A1 के ऑफ A1, लेकिन सिंपल अभी क्यों है रखी हुई एग्जाम्पल टी फ्लिप फ्लॉप से कर लेते हैं, कोई सी भी हो सकती है, ये डी से भी किया जा सकता है, ये किसी भी टाइप के फ्लिप फ्लॉप से किया जा सकता है, सिक्रोनस ओपन एंड है काफी, लेकिन ए सिक्रोनस में लिमिटेशन थी। अच्छा अब आते हैं इस बात पे कि जब मैं चेक करूंगा तो किस तरीके से चेक होगा, से पहले मैं चेक कर रहा हूँ A1 को, तो ये रहा A1, तो A1 को जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो किसके अगेंस्ट कंपेयर होगा, A1
प्लस के साथ कंपेयर होगा। और अब मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी मेरे पास टी ए वन की आएगी। कंपेरिजन किसका होगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा। कैसे कंपेयर करूँगा, मैं चेक करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई प्रेजेंट स्टेट भी मेरी ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेट भी मेरी ज़ीरो ही आई है, तो गैस करो टी पे इनपुट क्या आया होगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट भी वही है और नेक्स्ट भी वही है, तो इससे मुझे पता लग गया कि टॉगलिंग मोड में नहीं बल्कि नो चेंज मोड में ऑपरेट कर रही थी फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने टॉगलिंग मोड के लिए टी पे क्या देना होता है, ज़ीरो, मैंने ज़ीरो सप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह जब मैंने सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन को टेस्ट किया, इधर आया वह ज़ीरो, इधर चेंज हो गई वैल्यू। चेंज होने का मतलब है टॉगल कर गए, टॉगल कर गई है तो इसका मतलब टी पर क्या आया हुआ होगा, वन आना चाहिए। दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, टी पे जीरो आएगा या वन आएगा। फिर इसी तरह मैंने तीसरा कॉम्बिनेशन टेस्ट किया, इधर वन आया हुआ है, इधर भी वन आया हुआ है, तो चेंज नहीं हुई, टॉगल नहीं हुई, नो चेंज है, तो नो चेंज के लिए मैंने जीरो लगा दिया, ठीक है। और फिर दोबारा लास्ट कॉम्बिनेशन जब चेक किया तो पता लगा इधर वन है, इधर जीरो आया हुआ है, वन और जीरो इन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, चेंज होने का मतलब यहाँ पे टॉगल आया। तो मैंने इस तरीके से अपने A1 और A1 प्लस को कंपेयर करते हुए T को लिखा है। और ये कैसे लिखा है, याद होगा मैंने आपको बताए थे एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को कंसिडर करते हुए गेस करते हैं कि मेरी इनपुट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे मैं वो टेबल दिखा दूंगा आगे वाली एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमने एक्साइटेशन टेबल से देखते हुए ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। टी का बहुत सिंपल होता है तो मैंने टेबल ड्रॉ नहीं करा, लेकिन जे के वगैरह का जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो नॉर्मली एग्जाम में वो गिवन होता है, ठीक है। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्साइटेशन टेबल आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह मुझे जो दूसरा फिल करना है वो किसके लिए है, वो फिल करना है मुझे ए नॉट के लिए। तो जब मैं ए नॉट को कंपेयर करूंगा, मैं कलर कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे क्या चीज़ किसके लिए। ए नॉट कंपेयर होगा ए नॉट प्लस से या नेक्स्ट स्टेट से, ठीक है, और ये फाइंड आउट करेगा इनपुट वैल्यू फॉर ए नॉट, यानी टी ए नॉट। अब इसमें भी क्या है, मुझे वही बात वन बाय वन वही कंपेयर करना है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप ही बड़ा सिंपल सी बात है। मैंने चेक किया इसको, ये जीरो है, ये वन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्ट हो गई या टॉगल हो गई, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वन। इधर चेक किया, वन था, जीरो हो गया, फिर ये भी इन्वर्ट हो गई या टॉगल हो गई, तो मैंने इधर भी लगा दिया वन, टॉगल के केस में वन। जीरो था, चेंज होकर क्या हो गया, वन, फिर टॉगल ही हो रहा है, तो मैंने फिर से लगा लिया वन। वन है, जीरो हो गया, फिर से यानी इन्वर्ट हुआ यानी टॉगल हुआ, तो फिर से मैंने लगा लिया वन। तो इस तरीके से मेरे पास जो असल इस केस में जो मेरे आउटपुट्स हैं ना, समझ लें कि एक तरीके से मेरा ये चीज़ जो है मेरा आउटपुट है, और ये वाली साइड जो है मेरे पास शुरू में ही नोन होती है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे इनपुट्स होते हैं, यानी ये चीज़ मुझे गिवन होती है, और ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ इसको मैंने वो लिखा है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट स्टेट से देखते हुए नेक्स्ट स्टेट मैं स्टेट डायग्राम को देख के फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है डोंट नो, हालांकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एक क्यूरी आ रही है मेरे पास, हम क्यूरी को देख लेते हैं। अच्छा, सेफ फाइनल इनपुट ऐसे आ रहा है कि मेरे पास एक टेबल गिवन है जो भी मैं आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल जो हमने पढ़ा था उसमें समझ लो, चलो मैं आसानी के यहाँ ये लिख देता हूँ कि अगर एन सी होता है, नो चेंज आता है, तो मैं लगा देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना देख लो, एन सी के केस में मैं लगा देता हूँ ज़ीरो और टॉगल के केस में मैं लगा देता हूँ वन, बस इतना याद रख लो। अभी टेबल में आगे दिखा दूँगा, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप बड़ी सिंपल से काम करती है, तो उसके इनपुट पे ज़ीरो आता है तो वन आता है, ज़ीरो आता है तो नो चेंज स्टेट में रहती है, और वन आता है तो टॉगल। तो मैं कंपैरिजन ऐसे कर रहा हूँ कि हर वैल्यू को उसकी अगेंस्ट वाली वैल्यू से ही कंपेयर कर रहा हूँ। ए नॉट है तो ए नॉट की इस वाले को इससे कंपेयर किया, मैंने चेक किया तो पता लगा जीरो से वन हो गया, तो इसका मतलब है इन्वर्ट हुआ है। इन्वर्ट होने का मतलब है कि मेरे इनपुट पर टॉगल आया होगा तभी इन्वर्ट हुआ है ना, जीरो जीरो पे तो इन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे टेबल को फिल किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, मैं देख लेता हूँ, कोई हैंड रेस कर रहा था, नहीं, ठीक है। तो ये टेबल मैंने फिल कर लिया। अच्छा, मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ बात बता दूँ। तो ये टेबल मैंने इस तरीके से फिल कर लिया। अब मेरा काम क्या है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है फॉर टी ए वन, मुझे एक ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और मुझे एक और इक्वेशन चाहिए टी ए नॉट, दोनों इक्वेशन मुझे चाहिए। कैसे आएंगी इक्वेशन, दो तरीके हैं मेरे पास,
या तो मैं के मैप अप्लाई कर दूं, या मैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मैनिपुलेशन करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, या यहाँ पर मैं एक और तीसरा तरीका भी लगा सकता हूँ। क्यूरी है कोई हमारे पास सर 7 bits वाली। अच्छा चलो एंड में बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन सारी बात वही है कि सीईपी की अगर वो चीज़ मैंने बता दी तो फिर सीईपी में तो कुछ भी नहीं बचा, पर तो सिर्फ सेम स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करना है। लेकिन चलो मैं हिंट दे दूंगा एंड में कि वो 7 bit के आए, ठीक है? तो बिल्कुल एंड में। अच्छा तो बात में ये कर रहा था कि के मैप से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा हैंड रेस किसने किया है? किसी ने नहीं किया। तो एक और तरीका क्या है, चूंकि छोटा सा है मैप तो मैं चाहूँ तो इसमें बड़ी आसानी से भी फिगर आउट कर सकता हूँ। और वो बड़ी आसानी से क्या है कि टी ए जीरो को अगर आप ध्यान दें, टी ए जीरो में तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, वन ही आ रहे हैं, सारे सारे वन आते हैं। तो आपको पता है सारी एस ओ पी पे अगर 1 1 1 आ जाता है, ये हमने एक असाइनमेंट में प्रूफ भी किया था कि सारे वन होते हैं, तो क्या आता है मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि मेरा टी ए जीरो का जो इक्वेशन आएगी उसमें सब जगह वन है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा होगा टी ए जीरो का, टी ए जीरो का रिजल्ट मेरे पास फिक्स वन ही आएगा, यानी इस पर सिंपली मेरे पास डायरेक्टली वन कनेक्टेड होगा, इसमें कोई भी टर्म नहीं आने वाली, तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ये तो मैंने ऑब्जर्व करके ही देख लिया, मैं के मैप में भी डालता सिंप्लीफाई करता तब भी रिजल्ट मेरा सिंप्लीफाई होकर वन बन जाता, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन स्किल मैंने फिलहाल यूज करते हुए बताया कि मैंने डायरेक्टली वन लिख दिया, ठीक। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दूसरे पे अगर ध्यान दें, ए वन पे इधर जीरो है, इधर वन है, इधर जीरो है, इधर वन है। मैंने चेक करा इसको कि ये मेरी किसी प्रेजेंट स्टेट से मैच हो रहा है, तो मैंने चेक किया इधर भी जीरो है, इसमें इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी वन है, इसमें इधर भी वन आ रहा है, इसमें इधर भी जीरो है, इसमें इधर भी जीरो आ रहा है, इसमें इधर भी वन है, इसमें इधर भी वन। तो ये मुझे मतलब ऑब्जर्व करने से पता लगा, क्योंकि मैंने पैटर्न देखा ना 0101, तो मैंने कहा ये तो मेरे इनपुट में भी आता है 0101, तो इनपुट में किससे मैच हो रहा है, ये इनपुट में मैच हो रहा है A0 से। तो मैंने इसके लिए भी चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं फिर कह रहा हूँ सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके मुझे यही पता लगेगा कि जो मेरा इसका आंसर है, इस वाले इसका आंसर है वो फिक्स क्या आने वाला है मेरे पास। मैंने देखा किस कॉलम से मैच हो रहा है, वो A0 से मैच हो रहा है। तो जब मैं इसको के मैप से या बूलियन सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करूँगा तो इसके आंसर ये आ रहे होंगे कि टी ए वन का आंसर आ रहा होगा A0 और टी ए नॉट का आंसर आ रहा होगा सिंपली 1, ठीक है? तो आप लोग के मैप से ट्राई कीजिएगा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से ट्राई कीजिएगा, दोनों तरीकों से इसके आंसर यही बन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा था, मैंने डायरेक्टली बता दिया। और फिर उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई कि, और इक्वेशन के बाद फाइनली मेरा लास्ट स्टेप क्या होता है, मुझे डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनी हुई, अच्छा मैंने कहा था कि अगर जे के यूज़ कर रहे हैं तो आइडेंटिकल इनपुट कर लें, यहाँ पे जे के यूज़ हुई भी, आपको पता है कि जे के और को अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ तो वो क्या बन जाती है, टॉगल बन जाती है। अच्छा लेकिन फिलहाल चलें देख लेते हैं, जे के पे ये मुझे पता था कि मुझे यही देना है, ठीक है? यहाँ तक अगर मैं इसको बॉक्स कर दूँ ना तो बात समझ जाओगे कि अगर मेरी फ्लिप फ्लॉप को ऐसे मैं कवर कर दूँ, ये हिस्सा दिखाऊँ, तो ये अब टी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगी। इतने हिस्से को अगर मैं देख लूँ तो टी फ्लिप फ्लॉप है, ये इनपुट जो है मेरा टी कहलाएगा, और इसको भी अगर मैं यहाँ से आइडेंटिकल कर दूँ तो ये हिस्सा जो है मेरा टी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। यानी अब दिस इज माई टी फ्लिप फ्लॉप, ये मेरा जो इनपुट है इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा टी इनपुट है, और चूंकि ये कौन सी वाली फ्लिप फ्लॉप है, इसको मैं कह रहा हूँ A0, तो ये टी जीरो वाली फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? और ये वाली जो मेरी फ्लिप फ्लॉप है ये टी वन वाली फ्लिप फ्लॉप है, और इसका ये रहा टी वन वाला इनपुट, ये यहाँ से, ठीक है, ये जगह पे कनेक्ट हुआ हुआ, ये टी वन है और ये टी नॉट है, ठीक है? टी नॉट या जिसे कह रहा था टी ए नॉट, टी ए नॉट, टी ए नॉट हो गया, और ये टी ए वन हो गया, टी ए नॉट एंड टी ए वन है, ठीक है? तो क्या पता लगा मुझे, टी ए नॉट जो है भाई वो तो सिंपली क्या है, वन है। टी ए नॉट में मुझे क्या प्रोवाइड करना था, वन, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया वन डायग्राम, ठीक है, एज इट इज आ गया। टी ए नॉट का आउटपुट क्या है मेरे पास आएगा, ए नॉट ही आएगा, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप को अगर मैंने नाम ए दिया हुआ है
तो ए नॉट है, क्यू दिया होता तो क्यू नॉट हो जाता, समझ रहे हो? ए दिया हुआ है, हमने जब एग्जाम्पल्स की थी तो क्यू क्यू किया था ना, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, इधर क्यू की जगह मैंने ए का वर्ड यूज कर दिया, और वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ रहा है कि ये जीरो है और ये ए वन है, ठीक है, एम एस बी एल एस बी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा फिर बात क्या करें, अगर ए नॉट फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आउटपुट ए नॉट आ रहा होगा, और कह रहे हैं कि टी ए वन ये वाली फ्लिप फ्लॉप है, टी ए वन ये वाला इनपुट है, इस पे क्या कनेक्ट हो रहा है, सिंपली कह रहे हैं आप कनेक्ट कर दो ए नॉट। ए नॉट कहाँ से आ रहा है, प्रीवियस स्टेज से आ रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्टली इसके अंदर फेड कर दिया। तो कह रहे हैं कि अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये बिहेव करेगी एज अप काउंटर ऑफ 2 बिट्स, और अप काउंटर ऑफ 2 बिट है, मेरे अप काउंटर की सीक्वेंस कहाँ कहाँ से मैं रीड करूंगा, कहाँ कहाँ से रीड होगी, मेरे पास एक आउटपुट आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है, और एक आउटपुट तो आ रहा है यहाँ से, और जब मैं यहाँ से रीड करूंगा तो कीप इन माइंड ये वाली चीज मेरी LSB होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना 0 और 1 से मैं यही निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि LSB वाली बिट कौन सी, और ये वाली चीज मेरी MSB होगी। जब इस सर्किट को आप रन करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये इसी इस तरह की पल्स देगा कि पहले 0 0 आ रहा है, फिर 0 1 आ रहा है, फिर 1 1 1 0 आ रहा है, देन 1 1 आ रहा है, ठीक है। इस सर्किट की पल्स बना के आप स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर सकते हैं, और या और आसान तरीका क्या है, प्रोटीज भी बनाएं और उसका आउटपुट आप चेक कर लें, तो आपको 0 1 यही पैटर्न मिलेगा जो मैंने बनाया अप काउंटर का, ठीक है। तो हमने सिंथेसिस के पूरे प्रोसेस से क्या डिजाइन कर लिया, एक सिक्रोनस काउंटर, और देख सकते हैं आप इसमें दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक सेम है, तो इसी वजह से इसको पैरेलल काउंटर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी है जी, क्लास कोई क्यूरी है? चलिए, होपफुली नॉट देयर इज अ क्यूरी, नो कोई क्यूरी नहीं, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि टाइम सेशन का ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, फिर अटेंडेंस के बाद हम दोबारा से रिज्यूम करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 3 बिट का, इसको हम रिज्यूम करेंगे ब्रेक के बाद, उससे पहले मैं अटेंडेंस ले, तो अटेंटिव रहिएगा, अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गई अटेंडेंस, कोई क्यूरीज हैं? ठीक है, हसनैन की, यासिर आपका नाम तो हमेशा ही नहीं आता है, ठीक है, आपको ऐसे ही लगता है, ठीक है, आ गया होगा नाम, कोई मसला नहीं है। मेरे पास 31 थे, 31 में से एक मैं खुद था, तो 30 स्टूडेंट की आ गई। अब एक जो अभी अभी लॉग इन हुआ है वो कौन है, उसकी नहीं आई है, कौन अभी अभी लॉग इन हुआ है वो मुझे बता दे ताकि मैं उसका नाम बाद में कोट करूँ। बिल्कुल, जस्ट अभी अभी कुछ ने लॉग इन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेक थोड़ी देर में। अच्छा, तो क्लास चलने रिज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर की, और काउंटर ही है, तो अब हमने क्या किया, 2 बिट से स्टार्ट किया था, अब बिट बढ़ा के क्या कर दिए, 3 बिट कर दिए। 3 बिट का मतलब यही है कि पॉसिबल स्टेट मेरे पास कितनी आ सकती हैं, 2 to the power 3 यानी 8 मैक्सिमम, मैं इसमें 8 स्टेट बना सकता हूँ, और 8 स्टेट हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कहाँ तक जाएंगी, 7 तक जाएंगी, ठीक। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ,
अच्छा स्टेट्स क्या आएंगी मेरे पास, पॉसिबल वही वाली बात है कि स्टार्टिंग होगी मेरे पास जीरो से, ये देख सकते हैं आप पहला कॉम्बिनेशन है जीरो, जीरो के बाद है वन टू थ्री फोर और लास्ट तक मेरे पास गया हुआ है वन वन, यानी सेवन तक के इसमें कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें भी मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, चूंकि ये अप काउंटर है तो आप काउंटर में स्टेट डायग्राम गिवन नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीरो 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 है तो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट इसकी क्या आने वाली है, जीरो से जंप करके कहाँ पे कोड जाएगा, जीरो जीरो वन पर जाएगा। तो मेरे पास आ गया कोड जीरो जीरो एंड वन, यानी मेरे पास वन का कोड आ गया। इसी तरह जब मैं वन स्टेट पर मौजूद हूँ, वन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वन से अगली पॉसिबल स्टेट आती है टू, तो टू का कोड क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया वन जीरो वन जीरो। और अगर आप सीक्वेंस देखें तो बाकी सब नीचे सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, ये वन का कोड है, टू का है, ये थ्री का है, ये फोर का है, फोर के बाद फाइव का आया, फाइव के बाद सिक्स सेवन, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सीक्वेंस में लिखा हुआ है जस्ट प्लस वन। ठीक है, प्लस वन करके लिख गया, जीरो के सामने वन का, वन के सामने टू, टू के सामने थ्री, थ्री के सामने फोर एंड सो नीचे तक गया, बस आखिर में क्या होगा रह पा रहा हूँ, सेवन आया हुआ है तो सेवन के बाद कोड कौन सा आएगा, जीरो का आ जाएगा, क्योंकि सेवन से बड़ी तो स्टेट आ ही नहीं सकती, सेवन घूम कर दोबारा कहाँ चला जाता है, मेरे पास सबसे पहली स्टेट जो क्या है जीरो 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 उस पर चला जाएगा। चलें ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब वही वाली बात है कि दोबारा से जब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड अपने फिल कर ली है, जिसको मैं कह रहा था कि हम स्टेट टेबल से देख के फिल कर सकते हैं, कि हमारे पास एक तरीके से गिवन ही होती है, हमें सिर्फ फिल करनी है। अब आ जाते हैं कि मुझे चेक करना है पॉसिबिली टी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने वही बात कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहले प्रेजेंट स्टेट के ए टू को, ठीक है ए वही फिर मैं कह रहा हूँ कि ए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने सिंथेसिस किया था तो हमने ए और बी का वर्ड भी यूज़ किया था, ठीक है एनालिसिस में भी ए बी का वर्ड यूज़ किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जो भी, वैसे भी कोई भी रिकमेंडेशन तो नहीं है, आप अगर सेम वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको नीचे खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि एल एस बी एम एस बी कौन सी, और इसमें एल एस बी एम एस बी का सेम रखते हैं तो खुद ही पता लग जाता है, लेकिन जब आप ए बी सी फर्ज करें यूज़ कर लेते हैं नाम, तो अब आपको खुद ध्यान रखना है कि आपने किसको एम एस बी कंसिडर किया है और किसको एल एस बी कंसिडर किया है, क्योंकि एम एस बी एल एस बी होना मैटर करता है, वरना आपकी काउंटिंग सीक्वेंस आपको नहीं पता लगेगा कि जीरो का कोड आ रहा है या वन का कोड आ रहा है, मतलब कौन सा वन जीरो वन में एम एस बी है और कौन सा एल एस बी। तो ज़्यादा सूटेबल यही रहता है कि आप सेम रखें और नीचे सबस्क्रिप्ट में जीरो वन टू बता कर ये बता दें कि एल एस बी है एम एस बी। तो मैं ए टू यानी एम एस बी को कंपेयर कर रहा हूँ प्रेजेंट स्टेट की, तो किससे कंपेयर होगा एम एस बी ऑफ नेक्स्ट स्टेट, और इससे जो मेरे पास रिजल्ट जनरेट होगा चूँकि फिर से टी फ्लिप फ्लॉप है तो टी ऑफ ए टू फ्लिप फ्लॉप। अच्छा अब दोबारा से देख लो, उसने किसने मुझसे सवाल किया था, सैफ ने, सैफ या हमजा ने सवाल किया था, तो देखो कैसे होगा ये, अब मेरे पास गिवन है, इधर मैंने एक्साइटेशन टेबल बना लिया, ठीक है पहले भी यही यूज़ किया था, ये एक्साइटेशन टेबल हमने पहले प्रूफ किए थे, और इसमें ये था कि अगर प्रेजेंट स्टेट ये है और नेक्स्ट स्टेट ये है तो टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो टी में आप देखें या तो जीरो आता है या वन आता है, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से हमने चेक करना है कि मेरे पास कौन सा है। तो इस टेबल से मैं कंपेयर कर करके देख रहा था और मुझे तो याद था तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं साथ साथ। मैंने कहा कि भाई ए टू की वैल्यू ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी जीरो है, तो मैंने यहाँ जाके चेक किया, ये वाला कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ये वाले कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो टी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ इस जगह पर, टी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ जीरो, तो मैंने यहाँ आके टी की वैल्यू लिख दी जीरो। ठीक है, टी की वैल्यू जीरो लिख सकता था, जीरो लिख दी। फिर दोबारा चेक किया, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो फिर वही कॉम्बिनेशन आ गया, दोबारा से मैं क्या लिख दूंगा, जीरो ही लिख दूंगा। कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, इस वैल्यू से देख के लिख रहा हूँ। कोई क्यूरी आ रही है मेरे पास सर, कोई मसला नहीं है शहबाज, कोशिश करते रहें, अनाउंसमेंट तक तो वेट करना पड़ेगा। अच्छा फिर तीसरी वैल्यू चेक करी, तो तीसरी वैल्यू में भी इधर भी जीरो है, इत्तेफाक से इधर भी जीरो है, तो फिर से मैंने जीरो लिख दिया, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर चौथी वैल्यू पे आए, तो अब इधर जीरो है लेकिन इधर क्या आ गया वन, तो अब मैं इधर से जाके वो वाला कॉम्बिनेशन देखता हूँ जिसमें क्या आया हुआ जीरो वन, तो जीरो वन वाला कॉम्बिनेशन है ये, और इसमें अगर जीरो था प्रेजेंट और नेक्स्ट में वन हो गया, तो इस केस में मुझे जीरो नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है वन लिखना है, तो इसीलिए जब मैं इस जगह पे पहुंचा तो मैंने क्या लिख दिया वन लिख दिया। ठीक है, मैंने कॉम्बिनेशन चेक किया, जीरो वन हुआ था, तो मैंने इसके केस में टी की वैल्यू टेबल से देखते हुए, एक्साइटेशन टेबल से देखते हुए वन फिट पुट कर, फिर इसमें आए, अब वैल्यू इधर वन है, इधर भी वन है, यानी दोनों वन वाला कोड कौन सा था, ये वाला था,
दोनों वन वाले कोर्ट की सूरत में मैंने देखा, जाहिर सी बात है वन प्रेजेंट है, प्रेजेंट वन ही नेक्स्ट है, तो टी की वैल्यू तो जो है नो चेंज है, जीरो ही रहेगी। तो वन और वन के केस में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया देखते हुए जीरो, फिर यहाँ वन था, फिर यहाँ पे भी वन था, तो फिर देखते हुए मैंने दोबारा से लिख दिया जीरो, फिर यहाँ वन था प्रेजेंट में, नेक्स्ट में भी वन था, तो इन दोनों को देखते हुए मैंने फिर से क्या पुट कर दिया इधर भी जीरो, फिर प्रेजेंट पे वन था लेकिन नेक्स्ट पे क्या हो गया मेरे पास जीरो आ गया, प्रेजेंट पे वन था लेकिन नेक्स्ट पे आ गया जीरो, तो ये कौन सा कोड बन गया मेरे पास, ये वाला कोड आ रहा है। और इस सूरत में भी क्या हो रहा है, वन और जीरो चेंज तो हो रहा है, और चेंज के सूरत में मेरे पास टी की वैल्यू क्या होती है वन, तो यहाँ पे वन था तो मैंने यहाँ से देखते हुए यहाँ पे भी वन लिखा। और इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा टी ए टू का कॉलम फिल किया, किसको देखते हुए, ए टू की प्रेजेंट स्टेट और ए टू की ही नेक्स्ट स्टेट। तो ध्यान रहे मैंने कलर कोड में ही लिखा हुआ है, इसमें आपके पास स्लाइड्स में भी कलर में लिखा हुआ है, ब्लू वाला ब्लू से है और पर्पलिश पर्पलिश से है और ग्रीन वाला ग्रीन से है, ठीक है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन इस तरीके से होता है कि मैंने ए टू को ए टू की नेक्स्ट स्टेट से कंपेयर किया तो टी ए टू निकलाई, फिर नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट में जब मैं कंपेयर कर रहा, तो नेक्स्ट में से मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसको कंपेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए वन को, तो मैंने ये ए वन पिक किया यहाँ से, तो यहाँ से ए वन का नेक्स्ट पिक करूँगा, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज जब टेबल से देख के टी की लिखूंगा तो मेरे पास टी ए वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं सब टेबल से देख के लिखूंगा तो टी ए वन आ जाएगा, और फिर जब टी ए वन आ जाएगा तो फिर मैं सॉल्व करने जाऊंगा किसके लिए, फिर मैं सॉल्व करने जाऊंगा ए जीरो के लिए, तो ए जीरो को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए जीरो को कंपेयर करूंगा मैं ए जीरो की नेक्स्ट स्टेट से, और इससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी टी ए जीरो आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से पर्पल वाले को पर्पल से कंपेयर कराया और वैल्यूज आ गए। अच्छा सैफ रहमान कहते हैं सर ये टेबल तो जोर से कंपेयर कर सकते हैं, सैफ ये जोर से मिलता जुलता जरूर है लेकिन जोर नहीं है, टी फ्लिप फ्लॉप का हमने जब ड्राइव की था ना इक्वेशन तो वो जोर ही जैसी आई थी, लेकिन उसमें प्रेजेंट स्टेट इन्वॉल्व होती है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली जोर, ठीक है। बिहेवियर जोर जैसा है ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट जोर। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जोर में इनपुट और आउटपुट पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, यानी इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होते, जबकि आप अपनी टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन जाके देखना जहाँ हमने ड्राइव की थी, तो वहाँ पे आउटपुट भी मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो क्यू है और इनपुट साइड पे भी क्यू आया हुआ है, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक जोर, ठीक है, लेकिन जोर नहीं है, ठीक है। आप जैसे मेमोराइज करना चाहो, याद रखना चाहते हो जोर तो जोर, क्योंकि टॉगल होने का मतलब ही क्या होता है, पहले कुछ था और अब कुछ हो गया, तो इसका मतलब वही है 0 1 या 1 0 वाला पैटर्न, जोर में भी 0 1 या 1 0 वाला पैटर्न नहीं होता जिसमें, ठीक है, मेमोराइज करने के लिए ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी जब याद किया था तो उसको जोर से ही कोरिलेट किया था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियरली कह रहा हूँ इट्स नॉट जोर, पर जोर की तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब मेरे पास पूरा का पूरा टेबल आ गया, ठीक है, मेरे पास टी ए टू आ चुका है, मेरे पास टी ए वन आ चुका है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि ज्यादा आगे के स्टेप, तो अब मेरे पास क्या है, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, अब मेरे पास आ चुका है टी ए टू। टी ए टू के लिए जब मैंने सॉल्व किया, के मैप बनाया, ये वाला प्लेसमेंट करी, प्लेसमेंट करके ग्रुपिंग की, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई टी ए टू की है। इसी तरह टी ए वन के लिए जब मैंने सॉल्व किया, सब की सब मैंने के मैप में प्लेस की और सॉल्व करी तो मेरे पास आ गई इक्वेशन ये। फिर टी ए नॉट के लिए मैंने के मैप में प्लेस किया और सॉल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ये। तो जब मेरे पास तीनों इक्वेशन आ गई तो फिर क्या रह जाता है, मेरे पास सिर्फ सर्किट ड्रॉ करना, और सर्किट में जाहिर सी बात है फ्लिप फ्लॉप के एलिमेंट हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, तीन फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, और पहली फ्लिप फ्लॉप जो एल एस बी है उसमें तो डायरेक्टली टी पर वन आ रहा होगा, दूसरी फ्लिप फ्लॉप पे कह रहे हैं टी पे क्या आ रहा होगा, ए नॉट आ रहा होगा, यानी आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, और फिर तीसरी पे कह रहे हैं एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लिप फ्लॉप आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं इसकी डायग्राम कैसे है, इसकी डायग्राम कैसे आई है आपके पास, इसकी डायग्राम आपके पास आ गई है, ठीक है, ये इक्वेशन थी तो ये डायग्राम आ गई, ठीक है। फिर से मैंने जे के यूज कर दिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप आइडेंटिकल इनपुट दे देंगे तो जे के बिहेव करती है एस टी फ्लिप फ्लॉप। मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको टी कैसे बनाना है, इसको अगर टी बनाना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लें कि ये एक ही इनपुट है फ्लिप फ्लॉप का, इसको भी ऐसे ही समझ लें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही इनपुट है इसका, और इसको भी ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक ही इनपुट, ठीक। तो अब अगर देखा जाए तो ये वाली जो है मेरी फ्लिप फ्लॉप कौन सी है, ये मेरी फ्लिप फ्लॉप है
ए जीरो, ठीक है ये है मेरी ए वन, क्योंकि इनके आउटपुट पे यही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आउटपुट पे लिखा हुआ है, और ये है मेरे पास ए टू, आउटपुट पे वही होता है जो, और ये ए टू। तो क्या कह रहे हैं कि टी ए जीरो पे तो भाई यानी इसके इनपुट पे तो सिंपली वन कनेक्ट करना है, तो इसके इनपुट पे मैंने सिंपली यहाँ पे ये वन कनेक्ट कर दिया। दूसरे के इनपुट पे कह रहे हैं ए जीरो देना, ए जीरो इसका आउटपुट था, ठीक है तो मैं यहाँ से मूव करके लाया और इसके ही इनपुट पे दे दिया, यहाँ से आगे दोनों इनपुट आइडेंटिकल जाने हैं टी बनाने के लिए, तो दोनों पे दे। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि भाई ए वन भी देना है और ए नॉट भी देना है, तो ए वन और ए वन और ए नॉट का एंड हो रहा है, तो ए वन तो यहाँ से आ गया और ए नॉट तो ये पीछे से आ ही रहा था, मैंने इसको यहीं से लिंक कर दिया और ये फाइनली मेरे पास ए टू आ गया। तो अब और क्लॉक सबकी आप देख सकते हैं, सबकी क्लॉक कॉमन है या पैरेलल है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि ये मैंने आपका 3 बिट का सिंक्रोनस अप काउंटर बना लिया। काउंटिंग कैसे होगी, ध्यान रहे ये मेरी एलएसबी है, ठीक है, और ये मेरी एमएसबी है। तो जब आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम, थोड़ी सी मैंने इस मरतबा हॉरिजेंटल ड्रॉ करी, आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, यूँ समझ लें कि मैंने रीड्रॉ नहीं करी, ये मुझे ऑलरेडी ड्रॉ हुई भी कहीं से एग्जाम्पल मिल गई थी। तो यहाँ तक कोई क्यूरी किसी की, बात समझ में आई है? क्लास को एक्नॉलेज करें, आजकल आप लोग क्वेश्चन भी नहीं ले रहे हैं ज्यादातर, मतलब क्वेश्चन कर नहीं रहे। जी क्लास समझ में आ गया है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यही प्रोसीजर इसमें भी हमें फॉलो करना है। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो बात है देखने वाली वो ये है, अच्छा क्वेश्चन है, जी अंजल आपको क्वेश्चन करना चाह रही हैं? नहीं, चलें ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि, अच्छा सर बहुत शहबाज वीडियो अपलोड हो जाएगी बाद में, सामने आ जाएगा देख लेना। अच्छा पैटर्न क्या है कि अगर ध्यान दो ना, तो ये अभी अपने 2 बिट का जो किया था, तो 2 बिट की इक्वेशन भी तो यही आई थी, पहले की 1 आई थी और दूसरे में सिर्फ ए नॉट था। अब 3 बिट किया तो उसमें क्या हो गया, उससे प्रीवियस वाले स्टेज की और उससे दोनों प्रीवियस स्टेजेस का एंड हो गया, तो इसमें पैटर्न भी बन रहा है, यानी 2 बिट का सोल्यूशन में प्लस एक और इक्वेशन आई तो उसने प्रीवियस 2 स्टेजेस का एंड करके तीसरे को इनपुट दे दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 4 बिट का हो जाएगा, अगर 4 बिट का हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, कोई इक्वेशन मुझे बता सकते हैं? अगर इसमें मैं लगा दूं एक और A3, तो कोई मुझे A3 की इक्वेशन बता सकता है क्या होगा? जी क्लास एनीवन, TA3 अगर मैं लगा दूं, A3 लगा दूं, तो मुझे TA3 की इक्वेशन चाहिए, वो क्या आएगी? ठीक है बिल्कुल यासिर, ऐसा ही है, क्योंकि पैटर्न यही है कि प्रीवियस सारे स्टेजेस का एंड हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, तीनों का एंड हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन यही आ जाएगी। तो इसीलिए आगे जो एक एग्जांपल है 4 बिट का काउंटर भी है, और मैंने उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया हुआ, बल्कि डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी हैं, और सॉल्व करोगे प्रूफ करोगे तो यही बिहेवियर आएगा। 3 बिट तक तो हमने करके देख लिया, 4 बिट का सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा। जी आमिर बिल्कुल ठीक है, और सामने आपके पास क्या गिवन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाए और डायरेक्टली आंसर लिख दिया। अच्छा कोई क्यूरी आ रही है मेरे पास, सुंबल की कोई क्यूरी है? जी सुंबल कहिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये बिट्स बढ़ती जाएंगे तो मीन हम मीन के जैसे आपने 3 बिट पे बताया कि 2, 1 और 0 ऐड कर रहे थे, तो जैसे 3 बिट है उसमें भी ऐड करेंगे, और सीपी में भी ऐसे ही करना है क्या? सीपी का सिंबल मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, सीपी 3 बिट का ही सोल्यूशन है, ठीक है। सीपी को मैं कोरिलेट भी कर दूंगा किस लेक्चर से मैंने दिया है, ठीक, थोड़ा वेट। चलिए ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। अच्छा
नहीं यासिर, जैसा कि मैंने कहा 7 बिट का नहीं है सोल्यूशन, CEP का 3 बिट का ही सोल्यूशन है, इतना एक्सटेंसिव मैं नहीं दूंगा। मुझे लॉजिक टेस्ट करनी है, आप लोगों की राइटिंग स्पीड थोड़ी टेस्ट करनी है, अभी मैं एंड में बता देता हूँ। बस ये मैं ये बता रहा था कि इसमें क्या हुआ कि ये काउंटर था और सिंक्रोनस अप काउंटर में एक पैटर्न है, और अप काउंटर में पैटर्न क्या है कि पहले में तो 1, दूसरे में प्रीवियस स्टेज, और तीसरे में प्रीवियस दोनों स्टेज, और फिर तीसरे में प्रीवियस तीनों स्टेज, और वही बात है और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस स्टेज का सबका एंड होता जा रहा है। ये एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है सिंक्रोनस काउंटर के, सिंक्रोनस अप काउंटर में। और ये पैटर्न पे क्यों मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप सॉल्व करें और अगर आपके जहन में ये वाली बात हो कि ये इस तरीके से होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको सोल्यूशन सही है या कहीं गलती हो गई। अगर उसी को पता लग जाएगा तो गलती सही कर लेंगे, वो गलती सही करके देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर राइट होगा और मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये बात पैटर्न नहीं पहचान सकते और कुछ भी आंसर आया, आपको थोड़ी पता होता सही आपने तो सबमिट करा दिया और फिर बाद में ग्रेडिंग के वक्त मैं डिसाइड करूंगा कि वो गलत है तो मार्क्स डिडक्ट। तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं कि इस तरीके से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेक्चर मेरा ख्याल है आज का हमारा, ठीक है लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो लेक्चर से अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर इसे एंड करते हैं। जी क्लास, कोई क्वेरी है लेक्चर से रिलेटेड? आई एम अज्यूमिंग नॉट। ठीक है, लेक्चर से कोई क्वेरी नहीं है तो लेक्चर से साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।